में एक दफा फिर खुशामदीद। लाहौर में मामूजाद और फुफीजाद भाइयों ने मिलकर अपने कजन को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था। मकतूल 7 बहनों का इकलौता भाई था। कई दिन गुजरने के बाद भी ना तो कातिल गिरफ्तार हुए और ना ही कत्ल की असल हकीकत वाज़े हो सकी। लाहौर के इलाके बंद रोड का रहायशी सलामत मसीह अपने बेटे उमर मसीह के साथ मेहनत मजदूरी करके घर वालों का पेट पालता था। 23 मार्च की सुबह सलामत काम पर चला गया और उमर काम पर जाने की तैयारी कर रहा था कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर उसका मामूजाद भाई प्रिंस लब्बा और फुफीजाद भाई उमर मसीह थे। इमरान दोनों के साथ घर से बाहर चला गया, मगर रात गए तक जब घर वापस ना लौटा तो घर वालों को तश्वीश लाहक हुई। उन्होंने मोहल्लेदारों से उमर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि चारों को नाखुदा चौक वसनपुरा में देखा था, जहां तलख कलामी पर उमर लब्बा और प्रिंस ने मिलकर उमर को गोली मार दी थी। हमने उसे नवाज शरीफ अस्पताल पहुंचा दिया था। बाद का हमें कुछ पता नहीं। 23 तारीख की सुबह का टाइम था जब मैं काम पर चला गया तो वो तीनों मेरे घर आए और मेरे बच्चे को घर से बुलाकर ले गए। घर वालों ने समझा कि शायद कोई काम है, लेकिन जब वो रात तक वापस ना लौटा तो हमने उससे रابطہ करने की कोशिश की तो किसी के साथ भी रابطہ नहीं हो सका। मोहल्लेदारों ने बताया कि उन सब की चौक में लड़ाई हो रही थी और हमने जब सुलह कराने की कोशिश की तो उन्होंने आपके बच्चे को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया, जिसे हमने अस्पताल पहुंचा दिया। मकतूल के घर वाले जब अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि सुबह एक लड़का जख्मी हालत में आया जरूर था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत वाकई हो गई और हमने उसकी डेड बॉडी को मुर्दा खाने पहुँचा दिया था। मकतूल के घर वालों ने उसकी शनाख्त उसके कपड़ों से की। जब उसके अहले खाना मुर्दा खाने पहुँचे तो पता चला कि 4 दिन तक इसका पोस्टमार्टम ही नहीं किया गया। जब अहले खाना ने एहतजाज किया तो 4 दिन बाद मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के बाद लवाहिकीन के हवाले किया गया। मकतूल के घर वालों का कहना था कि पहले तो हमारे बच्चे को कत्ल कर दिया गया और फिर इसकी लाश को भी 4 दिन बाद हमारे हवाले किया गया। हमारा पूरा खानदान इस वजह से जहनी अजियत का शिकार है। ये जो लड़का कत्ल हुआ है, जिसको फायर मारा गया है, ये 7 बहनों का अकेला भाई है, बुजुर्ग माँ बाप है इसके, ठीक है। 4 दिन से हॉस्पिटल में हम परेशान हैं, हमें कोई बॉडी नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से हमने एहतजाज किया है और एहतजाज करने के बाद जो है मैं साहब ने हमारी बात की है और अब लड़के का जो है वो पोस्टमार्टम हो रहा है। मकतूल के अहले खाना का कहना है कि वो नहायत शरीफ शख्स था और आज तक उसने किसी के साथ लड़ाई तक नहीं की। पता नहीं उसे क्यों कत्ल किया गया और उसके कजन अपने घरों को ताले लगाकर वहां से गायब हैं। हमारी इल्तजा है कि जल्द अज जल्द मुलजमान को गिरफ्तार करके हमारे सामने लाया जाए ताकि असल हकीकत वाजे हो सके। वो रिश्तेदारी तो सबके साथ है, मगर ये जो रिश्ता दुनिया से चला गया है, ये किसको गले रिश्तेदार बनाएगा? वो बहने जो है वो किसको भाई बुलाएंगी? 7 बहने हैं और एक ही वो भाई था। इसके तो 4 चफेरे का अंधेरा जो है छा गया, उन बहनों के लिए भी, इनके लिए भी, इन्हें क्या उन रिश्तेदारों के वास्ते। अब हम चाहते हैं ये बच्चे को जिन्होंने कत्ल किया उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें इसकी सज़ा मिले, ताकि आइंदा कोई भी बंदा जो है ना वो ऐसी हरकत ना करे। मकतूल 7 बहनों का इकलौता भाई था और अपने बाप के साथ मिलकर मेहनत मजदूरी करके घर वालों का पेट पालता था। उसके वालिद का कहना है कि मेरी उससे बहुत उम्मीदें वाबस्ता थीं कि वो अब जवान हो गया है और मेरे मुश्किल दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे अपनों ने ही मेरे दिल के टुकड़े को मुझसे छीन लिया। मुझे अपने बच्चे से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन उन्होंने इन तमाम पर पानी फेर दिया और अब मैं हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। हैं तो मेरे करीबी रिश्तेदार, लेकिन मैं उनसे अपना बदला जरूर लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। और इस वक्त बाकी तमाम रिश्तेदार भी मेरे साथ हैं जो उनको बुरा भला कह रहे हैं। मकतूल के अहले खाना ने अपील की है कि कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। कैमरामैन मुर्तजी एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। बदनसीब होते हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे उनके घरों से गुम हो जाते हैं, मगर उनसे भी बदनसीब होती हैं वो माएँ जिनके बच्चों को पैदा होते ही उनकी गोद से अगवा कर लिया जाता है। रावलपिंडी में भी बेनजीर भुट्टो अस्पताल से 6 माह का बच्चा अगवा करने वाले जालिम मर्द और बेरहम खातून को रंगे हाथों पकड़ लिया गया।
पुलिस की हिरासत में ये शमशाद बीबी और अताउल्लाह हैं, जो सरकारी अस्पताल से 6 माह के बच्चे को अगवा करके ले जा रहे थे कि अस्पताल के अमले ने धर लिया। इस्लामाबाद के एक अस्पताल से डॉक्टर मियां बीवी के हाथों बच्चे के फरोख्त की बाजगश्त के साथ मुल्हिका शहर रावलपिंडी में एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया, जब थाना वारिस खान के इलाके बेनजीर भुट्टो अस्पताल में एबटाबाद का रिहायशी साजिद नमूनिया के मर्ज में मुब्तला अपने कमसिन बेटे को इलाज के लिए लाया। इसी दौरान इलाज का ड्रामा रचाकर शमशाद बीबी भी पहुंच गई और डॉक्टर के रूप में अताउल्लाह भी पहुंच गया। दोनों ने मिलकर 6 माह के बच्चों को कंबल में छुपाकर ले जाने की कोशिश की तो बच्चे के वालदैन ने कंबल को पहचान लिया और यूं दोनों मर्द और खातून मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। बंदा आया तो उसने पूछा भाई इसको क्या है, मतलब डॉक्टरी लिबास में था, उसने गले में मुंह पे मास्क पहना हुआ था, गले में मतलब कार्ड वगैरह भी था। तो आया तो इस मतलब मेरी वाइफ से पूछा भाई इसको क्या मसला है, उन्होंने कहा भाई इसने निमोनिया कहता, मैं इमरजेंसी में इसको चेक कराना चाहता हूँ। तो उठा के लेके जा रहा था तो मतलब साहब अमले ने डॉक्टर स्टाफ वगैरह था, इन्हें शोर वगैरह किया तो जो सात औरतें थी उन्होंने, तो वो चला गया, गेट से निकल रहा था तो हमने पकड़ाया। रंगे हाथों पकड़े गए मुलजिमान अपना जुर्म मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि वो सिर्फ इलाज की गर्ज से अस्पताल आए थे और इन्हें पकड़ लिया गया। सब झूठ है, जो अगवा करता है वो अपना आईडी कार्ड चेस्ट कार्ड गले में नहीं डालता, जो अगवा करता है वो अपना एड्रेस, अपने बाप का एड्रेस, अपने मुर्शिद का एड्रेस, अपने भाइयों का पता, अपने सब कुछ, मैंने SHO साहब को, मैं आपसे नहीं डरता। उसकी माँ कहते ये था बंदा, ये औरत थी, दैट्स एनफ। मेरी दुश्मनी किसे नाल नहीं, मैं वो बच्चा तक नहीं देखिया कौन है ते कौन नहीं, मैं उस वार्ड च ही नहीं गई, मैनू पता ही नहीं। पुलिस का कहना है कि अताउल्लाह के कब्जे से गले में डॉक्टर के नाम का लटकाया गया कार्ड और लैब कोट भी बरामद कर लिया गया है, जबकि मजीद तफ्तीश के बाद ही हकायक सामने आ सकेंगे। इसने ये मास्क पहना हुआ था, मास्क पहन कर और एक वो जो अपना कार्ड है सर्विस कार्ड, ये लटका कर डॉक्टर बन के जो है ना जी बच्चे के माँ के पास गया कि बताएं बच्चा बीमार है, क्या बात है माँ? उसने कहा कुछ सांस की थोड़ी सी प्रॉब्लम आया है। बाहर से उसका वालिद भी आ गया तो इधर उसने बच्चे को शनाख्त कर लिया, तो वहाँ उन्होंने शोर डाल दिया, वहाँ फिर इनको जो है ना काबू कर लिया गेट के ऊपर ही। अवामी हलकों का कहना है कि इंसानियत के सौदागरों का कानून की गिरफ्त में आना काबिल सताइश है, तहम ऐसे घिनौने कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून साजी को भी मजीद सख्त करना होगा। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा रावलपिंडी। देहातों में चलने वाली नस्ल दर नस्ल दुश्मनियों की ज्यादातर वजह जमीन ही होती है, जहां जमीन के एक टुकड़े के लिए कई कई साल दुश्मनियां चलती रहती हैं। शेखुपुरा में भी ऐसी ही एक देरीना दुश्मनी पर मुलजिमान की फायरिंग से मुखालिफ ग्रुप के घर आया हुआ मेहमान हलाक हो गया। साडा वीर उते मिलन गया, जालमा ने उते बेदर्दी नाल मारिया। शेखपुरा के इलाके डाउ के मलिया के रहायशी रियाज मसीह की अपने ही इलाके के रहायशी जबार वगैरह के साथ जमीन के मामले पर पुरानी दुश्मनी चल रही थी और कई बार दोनों ग्रुपों के दरमियान झगड़ा भी हुआ और उनकी मुकदमेबाजी भी चल रही है। रियाज मसीह के घर कराची से उसका मामूजाद फयाज मसीह उसे मिलने आया हुआ था, जिसके हमरा वो रात के वक्त डेरे से वापस आ रहा था कि गंदम के खेत में छुपे जबार और उसके साथियों ने दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। रियाज फायरिंग से महफूज रहा जबकि फयाज शदीद जख्मी हो गया, मुलजम मौके से फरार हो गए। फयाज को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। हमारी इन लोगों के साथ पुरानी दुश्मनी थी और वो कब से हमें मारने के चक्कर में थे। चंद दिन पहले मेरा भांजा कराची से वापस आया था, मेरा बेटा और वो दोनों रात को घर से बाहर निकले, सड़क के किनारे जा रहे थे कि गंदम की फसल में घात लगाए बैठे थे और आते ही इन्होंने इन दोनों पर फायरिंग कर दी, जिससे मेरा बच्चा तो बच गया लेकिन मेरा भांजा इस दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। हमने तो कई दफ़ा उनके साथ सुलह करने की कोशिश की लेकिन मुखालफिन इन्हें हमारे बारे में भटकाते थे। मकतूल कराची का रहायशी था और उसकी एक 6 माह की बेटी है। वो चंद रोज कबल काम की गर्ज से शेखुपुरा आया था और अपने रिश्तेदार रियाज को मिलने उसके गांव चला गया था
मकतूल के अहले खाना का कहना है कि कातिलों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कोई ऐसी दुश्मनी नहीं किसी नाल, कोई कोशिश इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो हमारे पास एक काम के सिलसिले में आया हुआ था, लेकिन इसे क्या पता था कि इसे यहाँ इसकी मौत खींच कर लाई है। और अब वो दोबारा कराची कभी वापस नहीं जाएगा। इस बेचारी की एक बीवी और बेटी इसका इंतजार करते ही रह गए। हम तो सारी जिंदगी अब इन लोगों के साथ आंख तक नहीं मिला सकते। हमारी आला हुकाम से अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। रियाज मसीह के अहले खाना का कहना है कि मुलजमान ने अरसा दराज से हमें तंग कर रखा है और आए रोज हमें धमकियां देने के साथ कई दफा रियाज को जान से मारने की कोशिश भी की। उस रोज भी वो रियाज ही को मारने के लिए आए थे, लेकिन फयाज मारा गया। उनका कहना है कि मुलजमान के डर से अब हमारे घर कोई मिलने भी नहीं आता। मेरी इसके साथ बहुत दोस्ती थी और वो बहुत हंसमुख इंसान था। जालिमों की दुश्मनी हमारे साथ नहीं, इन्हें हमारे मेहमान को कत्ल नहीं करना चाहिए था। अब तो हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि कोई भी रिश्तेदार हमारे घर आने को तैयार नहीं कि कहीं हम भी इस दुश्मनी की भेंट ना चढ़ जाएं। और ये हालात इस वक्त तक कायम रहेंगे जब तक हमारे दुश्मनों को सजा नहीं मिलती। मकतूल को अबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वर्सा ने वजीर अला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन मुर्तजी इजाज के साथ आमिर शहजाद, समा, शेखपुरा। जराइम के खात्मे के लिए सिर्फ पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी ही काफी नहीं, हमें भी अपने आसपास रहने वालों पर नजर रखनी चाहिए। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।